जिस तरह से SEO में हर चीज़ के सिग्नल्स हैं, गूगल उन सिग्नल्स को पकड़ता है जिनको हम फैक्टर्स बोलते हैं, और उन फैक्टर्स के ऊपर गूगल हमारी वेबसाइट रैंक करता है। ये चीज़ हमने वीडियो में भी पढ़ी थी, ये चीज़ हमने डिफरेंट जो भी हमने अभी तक पढ़ी हैं सब चीज़ों में बिंग भी यही काम करता है। लोकल SEO भी डिफरेंट नहीं है, लोकल SEO में भी गूगल कुछ सिग्नल्स ट्रैक करता है, उस सिग्नल की बेस पर डिसाइड करता है कि किस बेस पे किस लिस्टिंग को ऊपर रखना है, किस लिस्टिंग को नीचे रखना है। इस टॉपिक में मैं आपको कुछ सिग्नल्स बताऊंगा कि किस तरह से आप SEO लोकल SEO बेहतर कर सकते हैं और ये सिग्नल फॉलो करके आप कैसे ऊपर रैंक कर सकते हैं। सबसे पहले जी, आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। अभी मैंने आपको इससे पहले टॉपिक में क्लियर किया था कि किस तरह से आपने पूरी लिस्टिंग को फुली यूज़ करना है, उसको रोज़ाना एक्टिव रखना है ताकि गूगल को ये पता हो कि आपका एक बिज़नेस बड़ा एक्टिव बिज़नेस है। अगर आप बिज़नेस फुली ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो गूगल को लगेगा कि ये सीरियस नहीं है, इनके पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अपने बिज़नेस में डाल सकें। तो सबसे पहला रूल लोकल SEO का ये है कि सबसे पहले लोकल अपनी लिस्टिंग है उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करें, प्रॉपरली उसको बेहतर करें। फिर अब ये जो लोकेशन है आप अपनी वेबसाइट पर भी डालें। सो आपको अपनी लोकल लिस्टिंग की लोकेशन अपनी वेबसाइट से भी लिंक करनी होती है, और लिंक करने का एक तरीका ये है कि आप उसको एम्बेड करते हैं गूगल मैप्स के तौर पे अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि लोग वेबसाइट पे जाएं तो वो क्लिक करके मैप्स पे चले जाएं और मैप से क्लिक करके वेबसाइट पे आ जाएं। तो ये दोनों का इंटरलिंकिंग जो है गूगल को ये हिंट देती है कि ये बेसिकली एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और जब आप ये करते हैं काम तो अल्टीमेटली वो लिंक करता है कि हाँ भाई ठीक है, ये बिज़नेस जो है इस लोकेशन के साथ अटैच्ड है, और ये लोकेशन जब सर्च हो या ये बिज़नेस सर्च हो तो ये लोकेशन और ये वेबसाइट दिखा रही है। तो ये एक और फैक्टर है जो गूगल मेजर करता है लोकल SEO में, तो आपको इंश्योर करना है कि आप इसको ऐड करें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये गूगल ये कहता है कि अगर आप एक लोकेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो आप उस लोकेशन के बारे में कंटेंट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल होता ये है कि हम कुछ बिजनेस सिर्फ एक लोकेशन को कैटर करते हैं। वो लोकेशन से मुराद क्या है कि लेट्स सपोज एक रेस्टोरेंट है, वो एक पर्टिकुलर टाउन में ही या एक पर्टिकुलर शहर में ही अपनी सर्विसेज कैटर करता है। अब किसी दूसरे शहर से वो वहाँ खाना खाने लोग नहीं आएंगे अनटिल के वो शहर में हो और उनको खाने भूख लगी हो तो उसके आसपास वो जाके खा लेंगे। सो रेस्टोरेंट नॉर्मली जब मार्केटिंग की सोचते हैं तो अपने एरिया में देखते हैं, अपने टाउन में देखते हैं या आसपास फॉर एग्जांपल अपने शहर में देखते हैं। सो उनको कोई गर्ज नहीं है बाहर की चीज़ों से, तो वो क्या करते हैं कि वो लोकल SEO पर रिलाई करते हैं कि लोकल SEO में जब कोई सर्च करे तो हम ऊपर आ जाएं। गूगल ये कहता है कि अगर आपने लोकल SEO बेहतर करनी है तो आप इंश्योर ये करें कि आप लोकल कॉन्टेंट भी क्रिएट करें, ताकि गूगल को ये लगे कि ये लोकल बिज़नेस जो है ये बड़ा बेहतरीन बिज़नेस है, ये लोकल ऑडियंस को भी हेल्प करता है। सो अगर कोई मोबाइल स्टोर की दुकान है फॉर एग्जांपल, मैं अब मोबाइल स्टोर रन कर रहा हूँ, मैं एक लोकल स्टोर भी हूँ जहाँ पर लोग चल के आ सकते हैं मेरे पास, मैं कंटेंट किस तरह का क्रिएट कर सकता हूँ कि लोकल ऑडियंस को टारगेट करे। फॉर एग्जांपल मैं एक डायरेक्टरी बना सकता हूँ कि जी मेरी मोबाइल शॉप है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपने बाकी मोबाइल शॉप्स की कंपेटिटर्स की लिस्ट बनाऊँ, लेकिन मैं ये तो बता सकता हूँ कि भाई ठीक है ये कुछ सर्विसेज हैं, अगर आपने मोबाइल रिपेयर करना है, मोबाइल जोन या दूसरे एडवांस टेलीकॉम या जितने भी मोबाइल कंपनी हैं जहाँ से आप मोबाइल खरीदते हैं उनकी ऑफिस की मैं एक लिस्ट बना लूँ कि भाई ये वो डायरेक्टरी है जहाँ से आप जाके अपना मोबाइल रिपेयर करा सकते हैं, ये वो फ़ोन जो हम आपको बेच रहे हैं उसकी वारंटी आप जहाँ से जाके क्लेम कर सकते हैं। तो उसकी डायरेक्टरी जब आप बना लेंगे अल्टीमेटली क्या होगा कि आप लोगों को हेल्प कर रहे होंगे उस लोकल कंटेंट को जनरेट करने में, और लोकल कंटेंट जनरेट होने की वजह से लोकल ऑडियंस आपके पास आएगी जिसको प्रॉब्लम आ रही है उस शहर में। तो गूगल जब लोकल ऑडियंस आएगी तो उसके सिग्नल देखेगा कि इस वेबसाइट पर लोकल लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको लोकल जब सर्च करें तो ये बिज़नेस बहुत रेलिवेंट है, मुझे इसको ऊपर रैंक करना है। रिगार्डलेस कि आप कंटेंट किस तरह का क्रिएट कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज दैट इज़ रेलिवेंट टू योर वेबसाइट, दैट इज़ रेलिवेंट टू योर ऑडियंस, वो एक अच्छा कंटेंट है। तो आपने कंटेंट अपनी ऑडियंस को देखते हुए, अपने बिजनेस को देखते हुए क्रिएट करना है, और जो भी मेक सेंस करता है यानी कि वट एवर दैट मेक सेंस फॉर योर बिजनेस फॉर योर ऑडियंस उसको आप ज़रूर ऐड करें, ताकि गूगल को सिग्नल मिले कि आप लोकल बिजनेस एक अच्छे लोकल बिजनेस हैं। उसके अलावा ये भी होता है कि जब आप एक गूगल में रजिस्टर करवा लेते हैं तो गूगल के अलावा भी बड़ी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं आज के दौर में, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट से हैं वो रजिस्टर करते हैं, बिजनेस रजिस्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर आपके घर पिछल का फ़ोन लगा हुआ है तो पिछल की एक फ़ोन डायरेक्टरी मिलती होती थी किसी ज़माने में, जो कि अब ऑनलाइन चली गई है, अब वो येलो पेजेस के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें एक्चुअली सारे बिजनेस का डेटाबेस होता है। तो आप ये भी करेंगे कि आप अपने डेटा दूसरी डायरेक्टरीज में भी जाके सबमिट करेंगे, अगर आप अपनी बिजनेस कर रहे हैं तो उसका डेटा, या जिस कंपनी के लिए आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जो भी आपका क्लाइंट है उसकी वेबसाइट का डेटा या उसकी लोकेशन का डेटा आप जाके बाकी जगह पे लिस्ट करेंगे, ताकि गूगल को बाकी वेबसाइट से भी पता चले कि हाँ भाई सिर्फ गूगल मैप्स के ऊपर ही नहीं, ये येलो पेजेस के ऊपर या दूसरे जितने भी पेजेस हैं, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं जहाँ पर लोकल डेटाबेस लिस्टिंग है, वहाँ सब पे ये सेम बिजनेस है और ये एक्चुअल एक रियल बिजनेस है।
तो गूगल आपको वहाँ से भी रिगार्ड करेगा और आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो आपको रैंक करेगा। उसके बाद जो फाइनल एक ऑप्शन है वो ये कि लिंक बिल्डिंग आपको अपने लोकल बिजनेस के लिए भी चाहिए होती है। तो आप ये याद रखें कि लिंक बिल्डिंग भी गूगल का एक बहुत मेन रैंकिंग सिग्नल है। गूगल ये कहता है कि अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो लोग इसको लिंक करेंगे, वो अपनी तरफ से अपनी वेबसाइट में आपको रिकमेंड करेंगे। याद रहे कि गूगल वोट, गूगल जो लिंक्स को वोट के तौर पे काउंट करता है, तो जितने लोग आपको लिंक करेंगे इसका मतलब उतने लोग आपको वोट कर रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर आप SEO कर रहे हैं, लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि कुछ लिंक्स अपनी लोकल लिस्टिंग के भी बनवाएं, अगर आपने टीम रखी है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप खुद बनाएं, ताकि वो लोकल लिस्टिंग भी उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना शुरू करें जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आप चाहते हैं। क्योंकि अगर अगेन कंपटीशन वेबसाइट्स में डिफरेंट है, अगर आप लोकल SEO में कंपटीशन करेंगे तो बहुत कम लोग होंगे जो गूगल माई बिजनेस के ऊपर होंगे, तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। वैसे आपका कंपटीशन वेबसाइट टू वेबसाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन लिस्टिंग टू लिस्टिंग कंपटीशन कम है। तो अगर आप लिस्टिंग टू लिस्टिंग बीट करके ऊपर आ जाएं, तो अगर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं भी कर रही, गूगल आपको लोकेशन बेस पे नंबर वन पे शो कर सकता है अगर आपकी लोकेशन की लिस्टिंग अच्छी है। वाई इन द मीन टाइम आप अपनी दूसरी SEO पे काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी ट्रैफिक नहीं रुकेगी। लोग क्लिक करने वाले ये बॉदर नहीं करते कि रिजल्ट वीडियो में आ रहा है, मैप्स में आ रहा है या वेबसाइट में आ रहा है। एज लॉन्ग एज उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो पहले रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, जान को लगेगा ये हमारे लिए ठीक रिजल्ट है, वो आप पे आपकी वेबसाइट पे आना शुरू कर देंगे। आपने बस इंश्योर करना है कि सारे चैनल जो हैं उनको यूज़ करें, उनको उनके ऊपर कैपिटलाइज करें और उनको ऑप्टिमाइज़ करके गूगल पे रैंक करें।